इजराइल में जाने से पहले भाई साहब 10 कंपनी के नाम आप लोग जान लीजिए जो कि बहुत ही रिसर्च और सर्च करने के बाद आप लोगों के बीच में लाए हुए हैं। 10 कंपनी के नाम जो कि ये बेकार कंपनी है भाई साहब, कहीं ना कहीं हो सकता है तो आप भी इस कंपनी में जा रहे होंगे काम करने के लिए, आपका भी सिलेक्शन हो गया है। अगर नहीं निकला तो अच्छा है, आप नसीब वाले हैं मेरे भाई साहब। तो इस वीडियो में 10 कंपनी के नाम आपको हम बताने वाले हैं। अगर नहीं भी दिए हैं इंटरव्यू इस कंपनी में जाने के लिए तो अच्छी बात है भाई साहब, अपने इंडिया में जब भी इस कंपनी का रिक्वायरमेंट जाए भाई साहब तो आपको इस कंपनी में भूल कर भी नहीं जाए, क्योंकि भाई साहब अगर आप लोग सऊदी, दुबई, कतर, ओमान में जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा रियाल में सैलरी मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग यूरोप कंट्री में जा रहे हैं भाई साहब तो वहाँ पे जो आपका सैलरी मिलेगा डॉलर में सैलरी मिलेगा। तो कहने का मतलब है यूरोप कंट्री जाने के लिए भाई साहब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अगर आप लोग सऊदी, दुबई, कतर इधर जा रहे हैं तो इधर कम पैसे में भी आप लोग जा सकते हैं। अगर आप लोग यूरोप में चले गए वहाँ जाने के बाद आपको अच्छा कंपनी नहीं मिले, कंपनी की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलता है वो सारी चीज़ अगर आप लोग फैसिलिटी नहीं मिले तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा। तो हमारे कहने का मतलब है भाई साहब जो भी करना है कंपनी के बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो अपने इंडिया में रह के ही आप लोग जान लीजिए कि कंपनी कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी में टाइम टू टाइम सैलरी मिलता है कि नहीं मिलता है, कंपनी में जो खाना मिलता है वो कैसा मिलता है, कंपनी में ओवर टाइम चलता है कि नहीं चलता है, कंपनी में मेन पावर कितना है यानी कंपनी में कितना आदमी काम करता है लोग, बहुत सारी चीज़ है भाई साहब। इंडिया में रह के ही आप लोग जानकारी लीजिए, इसके बाद ही आप लोग किसी कंपनी में जाइए। तो चलिए आप लोगों को हम 10 कंपनी के नाम बता देते हैं भाई साहब, एक बार नहीं आप लोग दो बार सुनिएगा तभी जाके आप लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिलेगा, ठीक है। कंपनी का हम लोगों यूज नहीं करेंगे भाई साहब, कंपनी का सिर्फ हम नाम बताएंगे। और आप लोगों को किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी लेना है कि ये कंपनी कैसा है तो चलता भर वीडियो में 3 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ में आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई 100% हम देंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो में कहीं भी वो कोड आ सकता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए तभी जाके आप लोगों को 10 कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो एक नंबर में आता है कंपनी का नाम बिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, भाई साहब ये भी बहुत ही बेकार कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल के भी नहीं जाना है, ठीक है। एक बार और हम कंपनी का नाम बोल दे रहे हैं, बिनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। दूसरे नंबर में आता है रेजा कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी बहुत ही बेकार कंपनी भाई साहब, इस कंपनी का जो भी मैनेजमेंट है बहुत ही घटिया मैनेजमेंट है भाई साहब, इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल कर भी नहीं जाना है। तीसरे नंबर में आता है कंपनी का नाम नास बीएम कंपनी, ठीक है, एक बार और आप लोग सुन लीजिए, नास बीएम कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी बहुत ही बेकार कंपनी है मेरे भाई साहब, इस कंपनी में तो मेन पावर ही नहीं है मेरे भाई साहब, मुश्किल से 1-2 हज़ार आदमी होगा इस कंपनी में, ठीक है। चौथे नंबर में आता है कंपनी का नाम हेल्को कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी बहुत ही घटिया कंपनी है भाई साहब, इस कंपनी में खाना तो मिलता है फ्री पर बहुत ही बेकार खाना मिलता है भाई साहब, और सैलरी टाइम टू टाइम नहीं है, 2 महीना 3 महीना 4 महीना तक इस कंपनी में सैलरी फंस जाता है, ठीक है। पांच नंबर में कंपनी का नाम आता है जीको कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक बार और हम बोल दे रहे हैं जीको कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस कंपनी का क्या रवैया है ये भी बात आप लोगों को हम बता देते हैं। आपका इंटरव्यू हो जाएगा इंडिया में, अगर मान लीजिए वहाँ पे आपका 10 रुपया सैलरी लग गया ना और वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो अगर आपको काम नहीं आएगा थोड़ा बहुत भी तो सैलरी में से आपको कट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कंपनी का रवैया ये है, तो आप लोग इस कंपनी में सोच समझ के जाइएगा। अगर किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग कंपनी का अच्छी तरह से डिटेल जान लीजिए कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। छठे नंबर में आता है कंपनी का नाम एमसी किम कंस्ट्रक्शन कंपनी, भाई साहब इस कंपनी में भी आप लोगों को भूल कर भी नहीं जाना है, ये कंपनी ज़्यादातर सप्लाई में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, आदमी लोगों का। तो आप लोग समझ जाइएगा कि सप्लाई में जो भी अगर बंदा जा रहा है काम करने के लिए तो उसके साथ में कितना दिक्कत परेशानी होता है उसी आदमी को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। सात नंबर में कंपनी के नाम आता है मलेश कंस्ट्रक्शन कंपनी,
ठीक है। मलेश कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये भी बहुत ही बेकार कंपनी है, इस कंपनी में भी आप लोगों को इंटरव्यू नहीं देना है, ठीक है। आठ नंबर में कंपनी का नाम आता है हिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी, भाई साहब ये भी बहुत ही बेकार कंपनी है, इस कंपनी में भी आप लोगों को नहीं जाना है। एक बार और हम कंपनी का नाम बोल दे रहे हैं, हिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है। इसका जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है भाई साहब, इसमें ज़्यादातर यानी ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ठीक है। तो इसका जो भी फैसिलिटी मैनेजमेंट है बहुत ही बेकार है। कंपनी में एक रूम में कम से कम 8-10 वर्कर को रखा जाता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक रूम में अगर 8-10 आदमी रहेगा तो कितना दिक्कत परेशानी होगा, ठीक है। 9 नंबर में कंपनी का नाम आता है वास एमसीओ कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक बार और हम बोल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए गौर से, वास एमसीओ कंपनी, ये भी बहुत ही बेकार कंपनी है भाई साहब। इस कंपनी में अगर आप लोग जा रहे हैं तो अगर आप लोग 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं उसके बाद आपको 2 घंटा ओवर टाइम मिलता है ना भाई साहब, अगर आप लोग 2 घंटा में सुपरवाइजर या फोरमैन बोले कि इतना हमको चाहिए 2 घंटा में काम, अगर आप लोग काम नहीं दीजिएगा तो आपका 2 घंटा भी ओवर टाइम माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप लोग ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आपका जो भी ड्यूटी होता है उस पर आपका रिस्क होता है, क्योंकि अगर आप लोग उतना प्रोडक्शन निकाल के नहीं दीजिएगा तो आपका ओवर टाइम कट हो जाएगा, ठीक है। तो भाई साहब आप लोगों को 10 कंपनी के नाम बता चुके जो कि बहुत ही बेकार कंपनी है, इस कंपनी में आप लोगों को भूल कर भी नहीं जाना है, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी में जाने से पहले अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए कि ये कंपनी कैसा है, तो चलता भर वीडियो में आप लोगों को 3 अंक का कोड दिखा होगा, उस कोड के साथ में अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आपका भाई कमेंट का रिप्लाई जरूर देगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ में, अच्छे जानकारी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।